सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, लगातार आप लोग यूपी टेट एग्जाम के डेट को लेकर के परेशान है, लगातार आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं यूपी टेट के एग्जाम को लेकर के, यूपी टेट का एग्जाम कब तक होगा या फिर यूपी टेट एग्जाम की एग्जैक्ट डेट क्या है। दोस्तों, यहाँ पर आज देखिए न्यूज़पेपर में एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से यहाँ पर एक खबर छपी हुई है, यूपी टीईटी 2020 शासन में लंबित परीक्षा टलने के आसार। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पीएनपी सचिव के द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा गया था टीईटी कराने के लिए, इतना आप लोगों को ऑलरेडी पता है, और 7 मार्च को कराने के लिए ही भेजा गया था। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या बातें लिखी हुई है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी 2020 जल्द हो पाने के आसार नहीं है। वजह, संशोधित प्रस्ताव में समय सारणी फिर पार हो गई है, शासन ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है, अब तीसरा प्रस्ताव मांगे जाने पर ही कार्यक्रम जारी हो सकता है। इसी बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव व यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, ऐसे में परीक्षा लंबे समय के लिए टल सकती है। ज्ञात हो कि सरकार परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक चयन के लिए यूपी टीईटी का होना जरूरी है। नए साल में शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनुमति देने से ही जगेगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दिसंबर 2020 में ही प्रस्ताव भेजा था, उसमें 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन व 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सकी और पहली समय सारणी बीत गई। तब एनआईसी शासन व परीक्षा संस्था को बैठक हुई, इसमें आवेदन जनवरी के मध्य में शुरू होने पर सहमति बनी। परीक्षा संस्था से संशोधित प्रस्ताव मांगा गया था, परीक्षा संस्था ने 30 दिसंबर को ही भेज दिया था, उसमें ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से और परीक्षा 7 मार्च को कराने का प्रस्ताव था। शासन में मंथन के बीच दूसरे प्रस्ताव को की समय सारणी बीत गई, अब परीक्षा संस्था से फिर प्रस्ताव लेने के बाद ही कार्यक्रम निर्गत होने के आसार है। इसी बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव व यूपी बोर्ड परीक्षाएं होनी है, इससे यह परीक्षा लटकने की उम्मीद है। हालांकि पिछले सप्ताह प्रयागराज आए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा कि प्रस्ताव शासन में लंबित है, जल्द निर्णय होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि अब शासन के निर्देश का इंतजार है, जो निर्देश होगा वही अमल किया जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यूपी टीईटी की परीक्षा यूपी बोर्ड और जो पंचायत चुनाव होने हैं उनके बाद ही अब हो सकती है। यहाँ पर तो यही चीजें लिखी हुई है, उम्मीद यही दर्शाई जा रही है, क्योंकि दो बार शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है पीएनपी के द्वारा, दो बार भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। तो अब एक बार तीसरी बार भी शासन को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव और जो बोर्ड परीक्षाएं हैं इनकी वजह से निश्चित रूप से अब जो यूपी टीईटी 2020 की परीक्षा है या और भी लेट हो सकती है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है अच्छे से। अगर आपको समय और मिल गया है तो ये और अच्छी बात है, आप लोग और अच्छे से तैयारी करिए, लेकिन जब तक समय सारणी नहीं आ जाती है तब तक आप लोग जैसे तैयारी करते चल रहे हैं वैसे ही करते रहिए, क्योंकि यूपी टेट की तैयारी जितना आप करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रिवीजन करोगे उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए अगर समय अधिक मिल जाता है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ही है। यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करके यूपी टेट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है मैंने बनाई है उनको आप देख सकते हैं, किस तरीके की कौन कौन सी बुक आप ले सकते हैं, इसके अलावा किस तरीके से पढ़ाई करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ये सभी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं आसानी से हमारे चैनल का, क्योंकि हमने यूपी टेट की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी की लिंक मिल जाएगी, हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं। यूपी टेट के बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं दोस्तों, तो आप लोग इन वीडियोस को देखिए और आपके लिए आगे भी हम वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछते रहिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोज बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा
और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।